हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा के बारे में। ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा क्या होता है, उसको कैसे ठीक करते हैं, क्या आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कैसे आप घर पे उसका ख्याल रख सकते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा क्या होता है? बेसिकली ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा एक तरह की गांठ या एक तरह का लंप है जो कि फीमेल ब्रेस्ट में पाया जाता है। ये जनरली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में पाया जाता है, यानी कि यंगर एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन में ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा आपको देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहली बात कि अगर ब्रेस्ट में कोई भी लंप आ जाए तो उस फीमेल के लिए वो काफ़ी मेंटली स्ट्रेसफुल रहता है, एंड वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस गांठ से उनको फ्यूचर में कोई तकलीफ होगी। ये मेन कारण होता है जिसकी वजह से वो किसी सर्जन के पास पहुंचते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसके अलावा उसमें उनको पेन हो सकता है, उसका साइज अगर बड़ा हो गया तो वो देखने में ख़राब दिख सकता है, उससे लोगों को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कॉस्मेटिकली उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है। तो ये अलग अलग कारण है उसका ट्रीटमेंट करवाने के। अब ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा क्यों होता है? इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा होता है, यानी कि मैं आपको कोई ऐसे टिप्स या कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे सकता हूँ जिनकी वजह से आप ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा होने से रोक सकते हैं। जिनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा होने की, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ ये भी पाया गया है कि कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा होते हैं, इसीलिए वो यंगर एज ग्रुप में देखा जाता है। बट क्या उसको प्रिवेंट करने के कोई सॉलिड तरीके हैं? तो उसका आंसर इज नहीं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे कि आप ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा होने से प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्या ये नॉर्मल तरह की गांठ है या इसमें कोई कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं? तो ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा के कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस अराउंड 1% या उससे कम रहते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा है। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि जनरली ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा कैंसर या मैलिग्नेंसी का रूप नहीं लेता है, हालांकि फिर भी उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। तो अब आप ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा का ट्रीटमेंट कराने के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? जनरली पेशेंट्स सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, काफ़ी समय तक दवाइयाँ लेते हैं, और उसके बाद वो सर्जन तक पहुँचते हैं। आपका समय बच सकता है, आपका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकता है अगर आप किसी जनरल सर्जन के पास पहुँच जाएँ, किसी स्पेसिफिक ब्रेस्ट सर्जन के पास पहुँच जाएँ अगर आप किसी शहर में रहते हैं। ये दोनों टाइप के सर्जन आपकी मदद कर पाएंगे। आप सर्जन के पास जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्जरी करानी ही है। आप सिर्फ जाइए, ओपिनियन लीजिए, समझिए कि क्या ट्रीटमेंट है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। बहुत सारे लोग सर्जन के पास जाने से डरते हैं और वो सिर्फ दवाइयाँ खा खा के अपना ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से नहीं किया जा सकता है। ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा इज़ वन सच एग्जाम्पल जिसमें कि आपका सिर्फ दवाई खा के ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको है ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई लंप है, तो आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए? तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कुछ अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए कहेंगे। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होगा सोनोग्राफी, जिसमें ये देखा जाएगा कि अंदर जो गांठ है वो कौन से टाइप की है, क्या वो सॉलिड है या उसके अंदर कुछ पानी जैसा भरा हुआ है, जिसको कि हम सिस्टिक भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या FNAC। इसमें क्या होता है कि एक सुई लेके आपके ब्रेस्ट में जो गांठ है, जो लंप है, उसके अंदर वो सुई डाली जाती है और उसके अंदर से कुछ सेल्स निकाले जाते हैं और फिर उनको माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है कि वो कौन से टाइप के सेल्स हैं। अगर उनमें फाइब्रोएडेनोमा वाली चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये लेबल कर दिया जाता है कि ये जो ब्रेस्ट में से सेल्स निकाले गए हैं ये फाइब्रोएडेनोमा में से हैं, यानी कि इस पेशेंट को फाइब्रोएडेनोमा की बीमारी है। इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम मैमोग्राफी कहते हैं। वो सोनोग्राफी के जैसा ही होता है लेकिन अलग मशीन पे किया जाता है। जनरली दोनों चीज़ें साथ में करी जाती हैं एंड उससे भी अपन को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलती हैं फाइब्रोएडेनोमा के बारे में। कुछ एडवांस्ड केसेस में या कुछ कंफ्यूजिंग केसेस में बायोप्सी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको हम ट्रू कट बायोप्सी या कोर कट बायोप्सी भी कहते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? हर पेशेंट चाहता है कि उसकी कोई भी बीमारी हो वो सिर्फ दवाइयाँ खा के ठीक हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइब्रोएडेनोमा में ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। फाइब्रोएडेनोमा एक गांठ है जो कि जब तक निकाला ना जाए वो अपने मन से या दवाइयों से गलने वाली गांठ नहीं है।
उसको निकालना ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है आपको कम्प्लीटली उस गांठ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो सर्जरी करवाना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फाइब्रोएडेनोमा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जो सबसे कॉमनली की जाने वाली सर्जरी है वो है ओपन टेक्निक की सर्जरी, जिसमें कि फाइब्रोएडेनोमा के ऊपर इंसिजन लिया जाता है एंड इंसिजन यानी कि कट, एंड उस कट से उस फाइब्रोएडेनोमा की गांठ को निकाल के उस कट को बंद कर दिया जाता है। ये जो कट है ये बहुत ही पतला होता है, जितना ज़रूरत है उतना ही रहता है, इनफैक्ट काफ़ी छोटा होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द फाइब्रोएडेनोमा। और निकालने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो जो स्कार आएगा वो दिखाई भी नहीं देगा। इसको जनरली जिन टाँकों से बंद किया जाता है वो अपने आप एब्जॉर्ब होने वाले टाँके रहते हैं। सर्जन टू सर्जन वेरी करता है, अलग अलग सर्जन की प्रेफरेंस अलग रहती है, बट काफ़ी कॉमन है फाइब्रोएडेनोमा की सर्जरी करना एब्जॉर्ब होने वाले टाँकों से। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो टाँके निकलवाने नहीं पड़ेंगे और जो स्कार आएगा वो बहुत ही पतला बाल जैसा आता है तो वो दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा और भी कुछ एडवांस्ड सर्जिकल तरीके हैं फाइब्रोएडेनोमा निकालने के। अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर्जरी भी की जा सकती है जो कि बहुत ही छोटे होल से करी जाती है, एंड उसके अलावा कुछ और क्रायो सर्जरी नाम के मेथड्स हैं, बट वो या तो बहुत एक्सपेंसिव है या तो वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है पेशेंट्स को करवाने के लिए। तो जो सबसे कॉमनली करी जाने वाली सर्जरी है वो है ओपन टेक्निक की सर्जरी, जिससे कि जो स्कार आता है वो काफ़ी छोटा सा आता है। आप वो सर्जरी भी प्रेफर कर सकते हैं, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आपको आसानी से डॉक्टर मिल जाएंगे ये सर्जरी कर देने के लिए। जहाँ तक दवाइयों की बात आती है, दवाइयों से फाइब्रोएडेनोमा छोटा नहीं हो सकता है, बट अगर आपकी सर्जरी हुई है तो कुछ दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है दोबारा फाइब्रोएडेनोमा नहीं होने देने में, या जो आपका घाव बना है उसको जल्दी से भरने में। विटामिन ई सप्लीमेंट्स काफ़ी मदद करते हैं, प्राइम रोज ऑयल एक तरीके का ऑयल है जो कि काफ़ी मदद करता है। ये दो ही दवाइयां हैं जो कि फाइब्रोएडेनोमा के समय में आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। हालांकि इनको खाने के बाद फाइब्रोएडेनोमा आपका गलने नहीं वाला है, ये चीज़ आप याद रखिए। ये सिर्फ सपोर्टिव दवाइयाँ हैं जो कि आपके फाइब्रोएडेनोमा को दोबारा आने से प्रिवेंट करने में थोड़ी बहुत मदद कर सकते। सर्जरी होने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सर्जरी अगर आपकी एक बार हो गई तो जनरली जैसा कि मैंने बताया ये एब्जॉर्ब होने वाले टाँकों से करी जाती है, तो आपको उनको निकालने के लिए अलग से आने की डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली आपकी सर्जरी के बाद 2 या 3 दिन में आप एक बार जा सकते हैं, अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनको मिल सकते हैं और अपना ड्रेसिंग चेक करवा सकते हैं। एक बार वो ड्रेसिंग सही है तो उसके बाद आप 10 दिन में दोबारा से डॉक्टर के पास जाके एक बार फाइनल चेक करवा सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो जनरली आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ तक घर पे ख्याल रखने वाली बात आती है, फाइब्रोएडेनोमा की ड्रेसिंग करना बहुत ही आसान होता है। मैंने ड्रेसिंग कैसे करते हैं उस पर और भी वीडियो बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं ये समझा दूँ कि अगर आप वहाँ से पट्टी निकालोगे तो नीचे आपको एक पतला सा लाइन या एक घाव दिखेगा, उसको आप डेटॉल वगैरह से क्लीन कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर एक स्टेराइल गौज जो कि मार्केट में मिलता है वो लगा के उसको कवर कर सकते हैं स्टिकिंग टेप से। मेडिकल स्टिकिंग टेप या ल्यूकोप्लास्ट अलग से आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी नहीं करनी है, अगर आपका घाव बहुत छोटा है तो आप उसको सिर्फ क्लीन करके उसके ऊपर अगर बैंडेड लगाएंगे तो भी वो सफिशिएंट है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर्जरी के बाद आप सब कुछ खा सकते हो। तो येस, आपको खाने में कोई रोक टोक नहीं है। मैं जनरली एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि स्पाइसी फूड से वो थोड़ा दूर रहें, बिकॉज फाइब्रोएडेनोमा भी एक सर्जरी है और उसको ठीक करने के लिए आपको कई सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स वगैरह वगैरह, और इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है एसिडिटी। तो अगर आप साथ में स्पाइसी खाना भी खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ सकती है, इसलिए ये एडवाइस करूँगा मैं कि आपको स्पाइसी फूड आने वाले 10 दिन तक या जब तक आपकी दवाइयाँ चल रही हैं एटलीस्ट तब तक आपको नहीं खाना चाहिए। क्या क्या खाने से आपको फ़ायदा होगा? सब न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने से आपको फ़ायदा होगा। हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, सब्जियाँ, सब टाइप की फ्रूट्स, सब टाइप के प्रोटीन, वेज नॉन वेज दोनों ही सोर्सेज से आपको घाव भरने में मदद करेंगे, आपकी हीलिंग में आपको मदद करेंगे, तो आप वो खा सकते हैं। आपके टाँके गलने में लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है, एंड एक बार आपके टाँके गल जाएंगे तो फिर आपको उसको कवर भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई उस पर अलग से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उस जगह को हाइजीनिक रखने के लिए आप नियोस्पोरिन या पोविडीन आयोडीन का पाउडर
मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जनरली ये बिना प्रेस्क्रिप्शन के दिया जाता है, तो आप अपने आप ही ले सकते हैं एंड उसको लगा के आप वहाँ पर अपनी हाइजीन भी मेंटेन कर पाएंगे। क्या आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं? तो येस, सर्जरी होने के अगले ही दिन से आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो मैं सोच सकता हूँ जिसमें कि आप कोई करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपके ऑपरेशन का नुकसान हो जाएगा। सारी डेली एक्टिविटीज़, घर की एक्टिविटीज़, खाना बनाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ड्राइविंग करना, बाकी सारी चीज़ें करना इज़ पॉसिबल एंड आपके सर्जरी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात आती है रिकरेंस की, कि क्या ऑपरेशन के बाद मुझे फाइब्रोएडेनोमा होने के चांसेस दोबारा हैं, द आंसर इज़ येस। जिनको एक बार फाइब्रोएडेनोमा होता है उनको दोबारा फाइब्रोएडेनोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, कि आप चाहे जहाँ से भी सर्जरी करा ले, जिससे भी करा ले, कोई भी आपको ये गारंटी नहीं दे पाएगा कि आपको दोबारा फाइब्रोएडेनोमा की बीमारी नहीं होगी। चांसेस हैं आपको दोबारा होने के। जो लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं उनके पास एक लास्ट तरीका ये बच जाता है कि वो अपने फाइब्रोएडेनोमा को मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कि एक बार उनने सोनोग्राफी करा ली तो वो हर 3 महीने, हर 6 महीने में बार बार सोनोग्राफी करा के ये देख सकते हैं कि क्या उसका साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है। अगर उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो उसको वो ऑपरेशन कराने से बच सकते हैं। ये बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट है। मैं पर्सनली तो ये एज अ डॉक्टर एडवाइस नहीं करूँगा, बट अगर सच में आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो एटलीस्ट उस पर नज़र रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई होप ये वीडियो से आपकी काफ़ी मदद हुई हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी इससे मदद हो सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, आप सब उनको लिख दीजिए। आई एम रियली हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।